वर्धा रोड के राजा का महायोजक नरेंद्र पांडे और मेरे साथ इस वर्धा रोड के राजा के अध्यक्ष हमारे युवा नेता आशीष पांडे जी और सभी समस्त हमारे आज जिन लोगों ने श्री गणेश जी के स्थापना के लिए जिन लोगों ने अपना बहुत बहुमूल्य समय निकाला, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। विगत 11 वर्षों से वर्धा रोड के राजा की स्थापना की जा रही है और ये प्रतिवर्ष जो है हम लोग सेवा संकल्प जैसे कार्यक्रम जो है हम लोग यहाँ पे आयोजित करते हैं। पिछले समय हम लोगों ने 2023 में कैंसर, एक जो बहुत नासूर रोग है, उसके जांच शिविर का हम लोगों ने आयोजन किया। उसके पहले जो है हमारा दंत चिकित्सा शिविर हुआ, उसके पहले जो मोतियाबिंद जैसी जो एक बड़े एज में जो बीमारी हो जाती है उसके लिए जो हम लोगों ने किया और कई हज़ारों लोगों ने जो है मोतियाबिंद के मुफ्त ऑपरेशन जो है वर्धा रोड के राजा के माध्यम से हुए। आज आपको मालूम है कि हमारे पूरे भारतवर्ष में जो है बड़े पैमाने पे जो है गणेश जी का उत्सव जो है मनाया जाता, और मैं गणेश बाप्पा के चरणों में प्रार्थना करूँगा कि हमारे महाराष्ट्र, विदर्भ
और पूरे देश में जो है खुशहाली आए, और जो एक ऐसा वातावरण जो बना हुआ है, आपको मालूम है कि हर दूसरा घर जो है चिकनगुनिया और डेंगू से लोग जूझ रहे। मैं गणेश बाप्पा के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि ये जो इलाज जो बीमारी आई है, गणेश बाप्पा आपके चरणों में प्रार्थना है कि ये बीमारी को जो है वो दूर करे। और हमने इस वर्ष जो है संकल्प लिया है कि जो हमारे गरीब विद्यार्थी है जो शिक्षण लेना चाहते, उनको जो है निःशुल्क जो है हम लोगों ने किट का वितरण कर रहे हैं, उनको जो है किताबें और कंपास और पेन वगैरह जो हम लोग वितरित करने जा रहे हैं। और ये जो पूरे आयोजन को हम लोगों ने जो शक्ति मिलती है हमको, तो हमारे देश के लोकप्रिय नेता केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी, इनका इसमें जो बहुत आशीर्वाद है, उन लोगों ने हमेशा जो है हमको सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया है, और उनके नेतृत्व में जो है हम लोग इसको जो है कर रहे हैं। और अब उसी प्रकार जो है हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और इस दक्षिण पश्चिम नागपुर के हमारे विधायक और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, इनका भी जो इस मंडल को बहुत आशीर्वाद है। उसी प्रकार हमारे विदर्भ के वरिष्ठ नेता दत्ता जी मेघे, जो पूर्व सांसद रह चुके हैं, उनका भी हमको आशीर्वाद है। प्रदेश के हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर भावनकुले जी, इनका भी आशीर्वाद है। और ये जो है हमारा एक गणेश उत्सव जो लोकमान्य तिलक ने जो शुरू किया था, वो एक सभी समाज के लोगों को जोड़ करके सांस्कृतिक माहौल बने, और लोग जो है इस गणेश उत्सव में सारे जो है अपने जो भी हमारे मतभेद हो, विचार हो, उसको दूर करके हम एक ऐसा गणेश उत्सव को मनाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है।